नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु। गुलाबी सर्दी के मौसम में गुलजार हुई चंबल नदी, धूप सेकने निकल रहे जलीय जीव और विशाल घड़ियाल मगरमच्छ सफारी का मजा लेने पहुंच रहे सैलानी। जी हां, सर्दी के मौसम में चंबल नदी के जीव जंतुओं को टापू और तट पर देखा जा सकता है, क्योंकि वह धूप सेकने नदी से बाहर आते हैं। प्रवासी पक्षियों ने डेरा डाला है। सर्दियों में प्रवासी पक्षियों से चहक उठती है चंबल नदी। कभी दस्युओं की शरणस्थली रही चंबल नदी और चंबल की घाटी इस वक्त जलीय जीव और प्रवासी पक्षियों से गुलजार हो रही है। सर्दी के मौसम में चंबल नदी के पानी का तापमान कम होने पर नदी में विचरण करते हैं मगरमच्छ घड़ियाल। खिली धूप में रेत और टापू पर बैठे जलीय जीवों के साथ साथ नदी किनारे प्रवासी पक्षी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चंबल सफारी का नजारा देखने के लिए पर्यटक धौलपुर जिले से होकर गुजर रहे चंबल नदी पर पहुंच रहे हैं। ठंड के मौसम सात समुद्र पार कर हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर प्रवासी पक्षी धौलपुर में हजारों की संख्या में आए हुए हैं। प्रवासी पक्षियों के लिए जिले के जलाशय स्वर्ग से कम नहीं है। इस समय यहां पेंटेड स्टॉक, इंडियन स्कीमर, ईगल, किंगफिशर, ब्लैक बेली ट्रेन, बार हेडेड गूस, ग्रे हेरॉन, शाफ्ट सेल टर्टल, किंगोली आदि पक्षी डेरा डाले हुए हैं। भारत न्यूज टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। चंबल सफारी के सफर पर है और ये हमारी सफारी है जो आज बीचों बीच चंबल में है और बीच पानी के अंदर हम लोग जा रहे हैं। और ये अपन धौलपुर की जो मेन लाइन है, जो रेलवे का पुल है, उसकी तरफ चल रहे हैं अभी इस समय। और हम लोगों ने जो शुरुआत की थी वो बिल्कुल चंबल सफारी का, जो अपना पुल है जहाँ से चंबल सफारी की शुरुआत है, जहाँ चंबल सफारी है पॉइंट है, वहाँ से हमने शुरुआत की थी। और अभी बीचों बीच चंबल में है, बहुत सुहाना सफर है, बहुत शानदार लोकेशन। यहाँ से नज़र देख सकते हैं आप, नज़र आ रही है इस तरफ से पूरा जंगल ही जंगल है और इस तरफ से पूरा रेती पहाड़ है और जगह जगह घड़ियाल, मगरमच्छ पूरी तरह से, पूरी चंबल में घड़ियाल और मगरमच्छ भरपूर तरीके से मिल रहे हैं हमें। हर जगह कई घड़ियाल हमें दिखाई दिए और आपको भी दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। आपको घड़ियाल भी दिखाएंगे और मगरमच्छ भी दिखाएंगे। पूरी चंबल में बहुत अच्छी तरह से अच्छी खासी संख्या है घड़ियालों की और मगरमच्छों की और कई जीव जंतु, कई जलीय जीव और तरह तरह के आपको जो पक्षी हैं वो भी इस चंबल नदी में आपको मिलेंगे। हर तरह के पक्षी भी इस चंबल नदी में प्रवास करते हैं। काफ़ी दूर दूर से इस समय आकर के पक्षियों ने यहाँ पर प्रवास डाल रखा है। पूरे नदी के किनारे पर आपको हर तरीके के जीव जंतु, पक्षी सब कुछ मिलेंगे। धौलपुर की चंबल सफारी का आनंद लेने के लिए जो भी बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ पर आते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर चंबल सफारी कराई जाती है। ये हमारे धौलपुर की नगर परिषद ने ये जो सुविधा दे रखी है, बहुत ही सराहनीय कार्य है नगर परिषद का। और नगर परिषद ने बाहर से आने वाले सैलानियों के लिए यह सुविधा दे रखी है धौलपुर में चंबल सफारी का। जो भी बाहर से लोग आते हैं वो धौलपुर की चंबल सफारी का आनंद लें, इसके लिए यहाँ पर नगर परिषद ने बाकायदा बोट की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर 3 से 4 बोट हैं और वहाँ पर बोट को चलाने के लिए ड्राइवर वगैरह सारी सुविधाएं, वहाँ पर कैंपेन और टेंट लगाकर सारी खाने पीने के भी सामान वहाँ मिल जाते हैं और सारी सुविधाएं की गई हैं। ये हमारे साथी हैं जो मुन्ना भाई हैं, ये बोट के ड्राइवर हैं, बहुत अच्छी बोट चलाते हैं, बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं और साथ ही ये अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और हर रोज़ आपको चंबल सफारी का अपडेट देते हैं। इनका खुद का चैनल